Hello friends, welcome you all at my YouTube channel English Word. Today we will read some important questions of essay Tight Corners, and this essay has been written by Evie Lucas. So now, without any delay, let us start. What is the full name of Evie Lucas? Evie Lucas ka full name kya hai? Evie Lucas ka complete naam kya hai? Edward Verrell Lucas. Edward Verrell Lucas is the full name of Evie Lucas. Next question, when was Edward Verrell Lucas born? Edward Verrell Lucas ka janm kab hua tha? 11/12 June 1868. It means friend, actually there is some confusion on the date of his birth. So it may be 11 or 12. That's why 11/12 June. No one is clear about his birth date. That's why everywhere it is mentioned that 11/12. हर जगह हमें यही मिलती है 11/12 जून, इसलिए इनके बर्थ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि क्लियर डेट नहीं मालूम है, इसलिए उसको ऐसे ही लिखा जाता है, या तो 11 है या 12 जून 1868 है. When was Edward Verrell Lucas died? Edward Verrell Lucas का डेथ कब हुई थी? On 26 June 1938 की डेथ हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राइटर्स बायोग्राफी वॉज रिटन बाय ईवी लुकस? ईवी लुकस के द्वारा किस फेमस एसेइस्ट की बायोग्राफी लिखी गई थी? चार्ल्स लैम्स बायोग्राफी. चार्ल्स लैम की बायोग्राफी ईवी लुकस ने ही लिखी है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सुपर क्वालिटी ऑफ लुकस वर्क? लुकस के वर्क का जो सुपर क्वालिटी है वो क्या है, जो कि एज वी फाउंड इन हिज एसेज, समथिंग सुपर क्वालिटी इज हिज ह्यूमर. ह्यूमर इज द सुपर क्वालिटी ऑफ हिज एसेज. फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दैट इन एवरी वीडियो आई मेंशन माय अर्लियर वीडियो लिंक, सो इफ यू हैवेंट वॉच इट यू कैन गेट इट फ्रॉम डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने पहले किसी न किसी एक वीडियो का, जो ओल्ड वीडियो है मेरे द्वारा अपलोडेड, जस्ट ओल्ड, उसको मैं उसमें उसका लिंक दे देती हूँ. अगर आपका बाय द वे मिस हो जाता है तो आप मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ से उस लिंक के थ्रू आप उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं. तो आई रिक्वेस्ट यू टू गेट सम मोर नोट्स, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगने लगा हो तो प्लीज़ don't forget to give the thumb of like, and if someone is watching my channel first time, don't forget to subscribe it. Now next question, what is the literal meaning of tight corner word? The tight corner shabd hai, iski literal meaning kya hai? To be in a difficult situation. Actually tight corner ka matlab ye hota hai difficult situation, kathin paristhiti. Aur agar koi tight corner mein, it means kisi mushkil paristhiti mein hai. To be in a difficult situation. How many types of tight corners has been discussed by Lucas in his essay? कितने प्रकार के tight corners E.V. Lucas के द्वारा उनके essay में discuss किए गए हैं? Two types, physical and mental. Physical and mental type of types of tight corners has been discussed by Lucas in his essay. Next question. In the essay, the first man caught by the tide in the Brittany, what do you understand by the word Brittany? Actually जो स्टोरी ऐसे में जो स्टोरी शुरू होती है उसमें फ्रेंड्स हैं, मतलब चार व्यक्ति हैं, फ्रेंड्स हैं आपस में, वो अपने अपने टाइट कॉर्नर के बारे में बात कर रहे हैं, अपने फिजिकल टाइट कॉर्नर के बारे में बात कर रहे हैं. तो जो पहला व्यक्ति है, वही इस क्वेश्चन में मैंने मैंशन किया है, जो पहला व्यक्ति है वो बताता है कि मैं ऐसे टाइट कॉर्नर में फंस गया था कि मैं टाइड में फंस गया, ब्रिटनी में. तो आप ब्रिटनी से क्या समझते हैं? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रिटनी? ब्रिटनी की मीनिंग क्या है एक्चुअली? तो ब्रिटनी क्या है? एक फ्रेंच पेनिनसुला है. फ्रेंच पेनिनसुला, ब्रिटनी जो है ये फ्रेंच पेनिनसुला है. इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्रिटनी, या व्हाट इज़ ब्रिटनी, तो वहाँ इट इज़ फ्रेंच पेनिनसुला. तो इसमें जो फर्स्ट मैन है वो फ्रेंच पेनिनसुला में टाइड में फंस जाता है. फ्रेंड्स, पेनिनसुला की मीनिंग होती है प्रायद्वीप. पेनिनसुला इट मीन्स प्रायद्वीप. तो वो फ्रांस के एक प्रायद्वीप में टाइड में फंस जाता है.
तो और ब्रिटनी उस फ्रेंच प्रायद्वीप का नाम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइट कॉर्नर ऑफ सेकंड पर्सन. सेकंड पर्सन का टाइट कॉर्नर क्या था. ही वाज सिटिंग ऑन एन एलिफेंट एंड अ टाइगर अटैक्ड ऑन हिम. सेकंड जो पर्सन था उसका टाइट कॉर्नर ये था कि एक बार वो एक एलिफेंट पर बैठा हुआ था और एक वुंडेड टाइगर, घायल टाइगर उस पर अटैक कर देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द क्रिटिकल सिचुएशन ऑफ थर्ड वन. जो तीसरा पर्सन था उसकी क्रिटिकल सिचुएशन क्या थी या उसका टाइट कॉर्नर क्या था. उस स्टोरी में इसे में अपना टाइट कॉर्नर क्या बताता है. ही वॉज कॉच ऑन द थर्ड स्टोरी ऑफ अ बर्निंग बिल्डिंग. वो बताता है कि मैं एक जलती हुई बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर फंस गया था. तो इस तरीके से ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशंस थी जिसमें कि पर्सन मशक्क़त करता है अपने आप को बाहर लाने के लिए कि कैसे वो अपनी जान बचाए. तो दीज ऑल आर फिजिकल टाइट कॉर्नर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्टोरी द फोर्थ वॉज टॉर्पिडोइड. वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉर्पिडोइड. स्टोरी में आगे पता चलता है कि चौथा व्यक्ति जो था वो टॉर्पिडोइड के कारण अपने फिजिकल टाइट कॉर्नर का शिकार होता है. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टॉर्पिडोइड. टॉर्पिडो का मीनिंग क्या होता है. टॉर्पिडो अ बॉम्ब टू डिस्ट्रॉय शिप. तो ये चीज़ हमें याद रखनी है फ्रेंड्स कि टॉर्पिडो का मतलब होता है बॉम्ब टू डिस्ट्रॉय शिप. एक ऐसा बॉम्ब जो कि शिप को डिस्ट्रॉय करने के काम आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेटर्स फ्रेंड कैरीड हिम टू द आर्ट गैलरी. वॉट वॉज द नेम ऑफ दैट आर्ट गैलरी. एक्चुअली इसे में हमने पढ़ा है कि नरेटर ईवी लुकस और उनका जो दोस्त हैं वो लंच करते हैं एक कैफ़े में और उसके बाद एक गली से निकलते हैं और वहीं पर पास में आर्ट गैलरी चल रही होती है. और तो उनका फ्रेंड जो है वो उन नरेटर को परसुएट करता है वहाँ पर ले जाने के लिए. वो फोर्सली उनको वहाँ ले जाता है. एक्चुअली नरेटर वॉज नॉट विलिंग टू गो देयर बट हिज फ्रेंड कंपेल्ड हिम टू गो देयर. तो वो दोनों जब आर्ट गैलरी में पहुँचते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन ये कि उस आर्ट गैलरी का क्या नाम था. क्रिस्टीज आर्ट गैलरी. उस आर्ट गैलरी का क्या नाम था. क्रिस्टीज याद रखना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है स्टोरी में. क्रिस्टीज वो आर्ट गैलरी थी जहाँ पर राइटर और उसका फ्रेंड जाता है. वेयर वॉज नरेटर फेस्ड हिज मेंटल टाइट कॉर्नर. नरेटर अपने मेंटल टाइट कॉर्नर कहाँ पर फेस करता है, अपने मेंटल टाइट कॉर्नर का शिकार कहाँ पर होता है. इन क्रिस्टीज आर्ट गैलरी. इन क्रिस्टीज आर्ट गैलरी में ऐसी घटना घटती है जिससे कि नरेटर को मेंटल टाइट कॉर्नर का शिकार होना पड़ता है. बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में वो फंस जाता है. बहुत उसको माइंड उसका अपने माइंड का यूज़ करना पड़ता है उससे बाहर निकलने के लिए. मेंटल प्रेशर बहुत हो जाता है उसको. व्हाट पिक्चर वॉज सेलिंग देयर. कौन सी पिक्चर वहाँ पर बिक रही थी. बार्बी जोन पिक्चर्स. कौन सी पिक्चर्स वहाँ सेल हो रही थी. बार्बी जोन पिक्चर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आर कॉल्ड बार्बी जोन पिक्चर्स. बार्बी जोन पिक्चर्स कौन सी होती हैं. 19th सेंचुरी पिक्चर्स मेड बाय फ्रेंच पेंटर्स बेस्ड ऑन देयर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस. जो 19th सेंचुरी में पिक्चर्स जो फ्रेंच पेंटर के द्वारा बनाई गई थी वो ऐसी पिक्चर्स को बार्बी जोन पिक्चर्स कहा गया जो कि उनके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड थी. जैसा कि वो रियल चीज़ को देख करके तुरंत तुरंत बनाते जाते थे. तो ये बार्बी जोन पिक्चर्स थी. इसमें कौन कौन से दृश्य होते थे. इसमें जो दृश्य होते थे वो विंडोज के होते थे, पूल के होते थे और ये सीनरी नेचुरल सीन्स होते थे. ये सारी चीज़ें बार्बी जोन पिक्चर्स में होती थी. नेक्स्ट, व्हाई डिड नरेटर स्टार्टेड बिडिंग. नरेटर ने भी बोली लगाना क्यों शुरू कर दिया. इवन वी नो दैट नरेटर हैज़ हैड नॉट इनफ मनी. तो भी नरेटर ने बोली क्यों लगाना शुरू कर दी थी. जस्ट ओनली फॉर फन. सिर्फ फन के लिए नरेटर बिडिंग कर रहा था. हाउ मच मनी हैड नरेटर इन हिज बैंक अकाउंट एट द टाइम ऑफ ऑक्शन. जब वो नीलामी में बिडिंग कर रहा है नरेटर बोली लगा रहा है तो उस समय उसके अकाउंट में, उसके पास तो कुछ भी मनी नहीं है पर उसके अकाउंट में कितना पैसा है. 63 pounds. ओनली 63 pounds ही हैड एट द टाइम ऑफ ऑक्शन. नॉट इन हिज पॉकेट, ओनली इन हिज बैंक अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन,
Here I was nodding away to the auctioneer like a plutocrat. ये ऐसे की लाइंस हैं कि मैं वहाँ पर ऐसे ऑक्शन लगा रहा था जैसे कि नीलामी या बोली लगा रहा था ऐसे प्लूटोक्रेट की तरीके से नरेटर बताता है. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लूटोक्रेट, प्लूटोक्रेट की मीनिंग क्या होती है. प्लूटोक्रेट मीन्स अ वेरी रिच मैन. प्लूटोक्रेट मीन्स होता है एक बहुत ही रईस आदमी की तरह. दरअसल नीलामी में नरेटर बिल्कुल रईस आदमी की तरीके से बोली लगा रहा था. तो ये उसके ही वर्ड्स हैं कि नरेटर बोलता है कि मैं बहुत ही प्लूटोक्रेट की तरीके से वहाँ पर सिर हिला रहा था या बोली लगा रहा था. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लूटोक्रेट. तो प्लूटोक्रेट का मतलब क्या होता है, वेरी रिच मैन. What was the name of painting for which bidding was started by 4,000 guineas. जो सबसे महंगी पेंटिंग थी जिसकी बोली ही 4,000 guineas से शुरू हुई थी, उस पेंटिंग का क्या नाम था. डाउबिगनी. फ्रेंड्स ये याद रखने हैं सारे नेम, डाउबिगनी जो वो पेंटिंग थी डाउबिगनी. और यही पेंटिंग नरेटर को उसके टाइट कॉर्नर में, मेंटल टाइट कॉर्नर में फंसा देती है. तो ये जो डाउबिगनी पेंटिंग थी इसकी शुरुआत ही 4,000 guineas से शुरू हुई, इसकी नीलामी की शुरुआत. हाउ मच मनी वॉज ऑफर्ड बाय नरेटर फॉर डाउबिगनी इन ऑक्शन. जैसा कि हमने भी समझ चुके हैं कि फ़न के लिए सिर्फ नरेटर, हमारा नरेटर इसमें बिडिंग कर रहा था. तो जैसा कि डाउबिगनी पेंटिंग जब सामने आती है और दूसरी जो पेंटिंग्स थी उनकी तो बहुत छोटे अमाउंट से शुरू हुई बिडिंग, लेकिन इसकी 4,000 रेड फेस्ड मैन था एक वहाँ पर ऑक्शन में, उसने 4,000 guineas से इसकी बिडिंग स्टार्ट की. नरेटर ने कितना पैसा ऑफर किया फॉर डाउबिगनी इन ऑक्शन. ऑक्शन में जस्ट उसके रेड फेस्ड मैन के बाद नरेटर ने कितना फन में बोल दिया, 4,050 guineas. 4,050 guineas नरेटर ने मुझसे बोल दिया, सिर्फ मजाक में, फन में बोल दिया. व्हाट वॉज नरेटर्स टाइट कॉर्नर. नरेटर का टाइट कॉर्नर क्या होता है, उन्होंने फन में बोल तो दिया 4,050 guineas. बिकॉज द सेल केम टू एन एंड विथ हिज ऑफर फॉर डाउबिगनी इन 4,050 guineas एंड ही हैज़ ओनली 63 pounds. सेल तो एंड हो गई इस डाउबिगनी पेंटिंग के साथ ही, जो कि उन्होंने 4,050 guineas नरेटर ने बोल दिया, क्योंकि और हॉल में दोबारा कोई भी इसके लिए रेट किसी ने नहीं लगाया. और जबकि उनके पास सिर्फ 63 pounds थे, वो भी उनके बैंक अकाउंट में. एंड देयर वॉज नो एनी सेफ कॉर्नर फॉर हिम. और अभी तक ऑथर को लगा था कि शायद कोई और बोल देगा उनके बाद जस्ट, लेकिन देयर वॉज ओनली साइलेंस इन द हॉल. नाउ राइटर्स मेंटल टाइट कॉर्नर हैज स्टार्टेड. और अब लेखक का, नरेटर का मेंटल टाइट कॉर्नर शुरू हो चुका था, क्योंकि अब वो करे तो क्या करे, क्योंकि उसके पास सिर्फ 63 pounds हैं, वो भी उसके बैंक अकाउंट में, और उसने 4,050 guineas की बिडिंग की है, और अब वो पकड़ा जाएगा. वट वॉज अनएक्सपेक्टेड थिंग हैपेंड. इसी डिलेमा में वो था तभी, क्या ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ कौन सी होती है. अ मैसेंजर ऑफ रेड फेस्ड मैन रिक्वेस्टेड टू नरेटर टू गिव हिम दैट पेंटिंग इन एडवांस ऑफ 50 more guineas. अनएक्सपेक्टेड थिंग ये होती है कि वो जो रेड फेस्ड मैन था जिसने कि 4,000 ऑफर किए थे उस डाउबिगनी पेंटिंग के लिए, वो आता है और नरेटर से रिक्वेस्ट करता है कि वो अब उस पेंटिंग को उसे दे दे और 50 more guineas ले ले. इवन 450 तो ऑथर ने लगाई है, नरेटर ने लगाई, और वो 50 और ले ले, इट मींस 500 guineas ले ले और उसे वो दे दे, डाउबिगनी पेंटिंग दे दे. हाउ डिड नरेटर केम आउट हिज टाइट कॉर्नर गिविंग द पेंटिंग टू रेड फेस्ड मैन इन एडवांस ऑफ 100 more guineas क्लेवरली. लेकिन नरेटर बहुत होशियारी से क्या करता है, वो अपने प्रेजेंस �फ माइंड का प्रयोग करता है और 50 नहीं, वो कहता मैं 100 more guineas लूँगा और आपको पेंटिंग दे दूँगा. इस तरीके से 100 more guineas ज़्यादा लेकर के
वो रेड फेस्ड मैन को पेंटिंग वो दे देता है और उससे 100 एक्स्ट्रा ले लेता है, और रेड फेस्ड मैन अपना परचेस करता है बिडिंग में, वो ले लेता है। तो इस तरीके से वो उसका मेंटल टाइट कॉर्नर से वो अपने फ्री हो पाता है, और ये बहुत ही होशियारी के साथ सब हो जाता है। और जरूरी ये डेफिनेटली ये अनएक्सपेक्टेड थिंग थी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। व्हाट वॉज द एम ऑफ लुकस टू टेल दिस एसे? इस एसे को बताने का लुकस का क्या उद्देश्य था? दैट मेंटल टाइट कॉर्नर आर वर्स दैन फिजिकल टाइट कॉर्नर। लुकस ईवी लुकस बताना चाहते हैं कि जो मेंटल टाइट कॉर्नर्स होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं फिजिकल टाइट कॉर्नर्स की अपेक्षा। इट मीन्स उसमें जो मेंटल टेंशन होता है, मेंटल प्रेशर होता है, वो फिजिकल शारीरिक यातनाओं से अधिक बुरा होता है, अधिक कष्टकारी होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने पाया, इसे को पढ़ा, एंड वी गेट आउट ऑन कंक्लूजन दैट नरेटर अर्न्ड 100 मोर गिनीज इन ऑक्शन। नरेटर ने क्रिस्टी में आकर के क्रिस्टी आर्ट गैलरी में 100 गिनीज अर्न कर लिया, कमा लिया, ये उसका गुड लक था। सो फ्रेंड्स, नाउ आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो, एंड डेफिनेटली इफ़ यू वुड लाइक इट, डोंट फॉरगेट टू गिव द थंब ऑफ लाइक, एंड इफ समवन इज वॉचिंग माई चैनल फर्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड अदर नीडी पर्सन्स। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। ऑल द बेस्ट।